जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। दोस्तों अभी चेन्नई सुपर किंग के खेमे से कई बड़ी खबरें निकल के आ रही है और यह खबर जुड़ा हुआ है चेन्नई सुपर किंग के कई बड़े खिलाड़ी से। जी हाँ दोस्तों, कुछ खिलाड़ी तो इतना बड़ा है कि वह उनका आने वाले भविष्य में कप्तान भी हो सकते हैं। तो बात करें सबसे पहला खबर तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है ऋतुराज गायकवाड़ से। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि भविष्य के कप्तान बताए जाते हैं चेन्नई सुपर किंग का, और ऐसे में अभी हालिया बात करें तो बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया का एशियन गेम्स में कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अब एक और बेहद ही बड़ी खबर है। जी दोस्तों, भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर जाने वाली है अगस्त के महीने में, जहां पर तीन T20 मुकाबला खेलने वाली है और इसके लिए BCCI ने भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित कर दिया है और बता दें कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खबर है कि ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बनाया है। जी दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ यानी कि वाइस कैप्टन के तौर पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं आयरलैंड के दौरे पर। तो दोस्तों यह एक बेहतरीन खबर है क्योंकि एक बेहतरीन इंटरनेशनल कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस होगा जो कि आगे चलकर चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही अच्छा साबित हो सकता है। वहीं बात करें दूसरी बड़ी खबर का तो वह जुड़ा हुआ है बेन स्टोक्स को लेकर। यहाँ दोस्तों बता दें कि SSG में कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं बेन स्टोक और इसी वजह से अब CSK के मैनेजमेंट अपना मन बदलने वाली है। यहाँ दोस्तों बता दें कि CSK के मैनेजमेंट अब बेन स्टोक को ट्रेड नहीं करेगी। यहाँ दोस्तों खबरों को माने तो बेन स्टोक को ट्रेड नहीं करने वाली, एक साल और मौका देना चाहती है बेन स्टोक को खुद को साबित करने के लिए। और इस बार बेन स्टोक पूरा उम्मीद है कि मौका नहीं छोड़ेंगे और कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग के लिए बेन स्टोक्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बेन स्टोक्स का कमाल का परफॉर्मेंस हो सकता है IPL 2024 में या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग का फैन है तो इस वीडियो का लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 200, वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।